मैं हूँ स्मृति, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और आज मैं बताऊंगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से पुस्तक पढ़ने पड़ते हैं। जैसे आप जानते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होना बहुत ही प्रेस्टिजियस है और यहाँ तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टॉप मोस्ट लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। यूपीएससी द्वारा किया गया एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने वाले इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। डायरेक्टली कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकते, पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना पड़ता है, बाद में प्रमोशन होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, बाद में प्रमोशन होके ऑफिसर बन सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स रेड्स पर भी जाते हैं और ऑफिस में भी कामकाज संभालने पड़ते हैं। अगर डिपार्टमेंट क्लरिकल लेवल पे ज्वाइन करना हो तो टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं, इसके लिए भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए लोएस्ट लेवल ऑफ एंट्री है मल्टी टास्किंग स्टाफ या MTS। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और MTS तीनों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इंस्पेक्टर, TA, MTS तीनों पोस्ट के लिए 21 टू 27 ईयर्स के अंदर होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी है एनी ग्रेजुएशन डिग्री, चाहे वो BA, BCom, BSc, BBA, BE या MBBS हो। एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में या वेबसाइट पे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये हर बुधवार को आता है। एग्ज़ाम में तीन लेवल्स होते हैं, प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्टिव है, मेंस डिस्क्रिप्टिव है और इंटरव्यू। अगर टैक्स असिस्टेंट पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हो तो टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर एग्ज़ाम दोनों भी पास करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स और रीजनिंग। जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं CBSE की हाई स्कूल पुस्तकें और टाटा मैकग्रॉहिल। करंट अफेयर्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये एक मंथली मैगजीन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा RS अग्रवाल। याद रखें, मैथ्स में स्पीड बहुत ही ज़रूरी है। रीजनिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं BSRB की पुस्तकें और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।